सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एनसीईआरटी को और घंटा बटन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो पहले पहुंचे आपके पास। स्टडी विद एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैप्स, जिसे हिंदी में नक्शा या मानचित्र भी कहा जाता है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर आई पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें से ग्लोब वाला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसका यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब बहुत यूजफुल है और ये मॉडल ऑफ द अर्थ है, जिसे अलग भाषा में आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेट ऑफ द अर्थ है। ग्लोब बहुत मददगार साबित होता है जब हम लोग पूरी दुनिया को एक बार पढ़ना चाहें क्योंकि वो उसका डुप्लीकेट है। लेकिन अगर मान लीजिए बिहार के बारे में पढ़ना हो तो ग्लोब पे जब इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे तो बहुत कम थोड़ा सा एक जगह दिखेगा, तो इसी को कम करने के लिए मैप्स का यूज होता है। तो मैप्स आपको मिल जाएगा, जैसे कि बिहार का है, किसी खास जगह का है वहाँ का भी मिल जाएगा, या पूरा दुनिया का भी मिल जाएगा। और मैप्स जो होता है वो फ्लैट ड्राइंग होता है, मतलब कि सतह जो होता है प्लेन सतह पे ड्राइंग होता है। तो पूरी दुनिया तो अर्थ गोल है लेकिन मैप प्लेन पे होता है, इसलिए पूरा तरह से एक्यूरेट नहीं होता है। ग्लोब एक्यूरेट होता है, मैप्स पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है। इसमें और डिफरेंस है कि मैप ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है ग्लोब के तुलना में, क्योंकि मैप्स मान लीजिए बिहार का है तो बिहार का इंफॉर्मेशन बहुत सारा दे देगा, लेकिन ग्लोब पूरी दुनिया को ही दिखाना है उसे, इसलिए उसमें कम इंफॉर्मेशन रहता है। मैप्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का ड्राइंग है जो कि फ्लैट है, फ्लैट सरफेस पे है। इसमें एक और वर्ड जोड़ना है, मत भूलिएगा, अकॉर्डिंग टू अ स्केल। इस वर्ड को हम लोग आगे पढ़ेंगे समझेंगे। उसके बाद मैप्स का जब कलेक्शन हो जाता है, मतलब कि 8-10 मैप हो एक साथ रख दिया जाए, चाहे एक बुक बना दिया जाए जिसमें सिर्फ मैप्स ही हो, तो उसे एटलस कहते हैं। तो एटलस को आप डिफाइन कर सकते हैं, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। वैसे तो मैप्स के बहुत प्रकार होते हैं, वैसे हम लोगों को इस चैप्टर में तीन ही प्रकार पढ़ना है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। फिजिकल का मतलब होता है प्रकृति, मतलब ये प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं उन चीज़ों को अगर कोई मैप दर्शाता है तो उसे फिजिकल मैप कहेंगे। जिसे जैसे कि आप माउंटेंस हो गए, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स और ओशियंस, ये सभी जो हैं को अगर कोई मैप दर्शाता है तो उसे फिजिकल मैप कहेंगे। जैसे कि ये इमेज देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है रिवर्स के बारे में। उसके बाद ये इमेज देखिए, इसमें आपको प्लेटू प्लेन्स और माउंटेंस के बारे में दिखाए जा रहे हैं, तो इसे भी फिजिकल मैप कहा जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल मैप होता है, पॉलिटिकल का मतलब होता है शासन वैश्विक, मतलब कि कहाँ तक इसका शासन है। अब जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ये सभी के बाउंड्रीज को जो दिखाते हैं, किसी टाउन है, कोई शहर है, उसके बाउंड्रीज को दिखाने वाले मैप्स को हम लोग पॉलिटिकल मैप कहेंगे। जैसे कि ये देखिए, इंडिया के पूरे स्टेट्स के बारे में दिखाया जा रहा है। और ये क्या है, थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स मतलब होता है कि किसी खास चीज़ पे फोकस करके दिखाया जा रहा हो, ठीक है। जैसे कि रोड्स के बारे में, इंडिया के पूरे रोड्स के बारे में जानकारी अगर हम लोग हासिल कर रहे हैं किसी मैप के जरिए, तो सिर्फ रोड ही दिखाएगा तो उसे थीमेटिक मैप्स कहते हैं। चाहे किसी जगह का रेनफॉल है, कितना बारिश हो रही है, ये सब दिखना है तो उसे थीमेटिक मैप्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी मैप को समझने के लिए वैसे तो बहुत से कंपोनेंट्स उसके होते हैं, लेकिन तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर ये कंपोनेंट्स आप समझ जाते हैं तो फिर आसानी होगी, किसी भी मैप को आप देखकर समझ लीजिएगा कि चलिए ये मैप क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बॉल। सबसे पहले आइए डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई मैप है और पता करना है कि पटना से और दिल्ली के बीच में कितनी दूरी है, तो आप मैप को देख कर भी पता कर सकते हैं। अब उसके लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपका स्कूल है और उससे आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, और आपने एक मैप बनाया जिसमें स्कूल और घर की दूरी 2 सेंटीमीटर है, मैप पे छोटा होगा तो 2 सेंटीमीटर है, तो अब आप उसके नीचे में स्केल लिख दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर लिख दीजिएगा। तो इससे अब जब भी कोई देखेगा मैप को और आपके घर और स्कूल का दूरी जब स्केल से मापेगा तो 2 सेंटीमीटर वो पाएगा, और नीचे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो आसानी से पता कर लेगा कि आपके घर से आपका स्कूल का दूरी कैसा है। तो ये कैसे निकला, तो आपके घर से स्कूल की दूरी
मैप में 2 सेंटीमीटर है और रियल जो धरती पे है वो 10 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया 2 बाई 10 कर दिया, मतलब कि 2:10, मतलब 2:10 कर दिया और उसे कट कर लिया, डिवाइड किया तो 1:5 आ गया, या 1:5 आ गया इक्वल टू करके। तो इसी को स्केल कहते हैं। तो स्केल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो धरती पे कितना दूरी है और मैप पे कितना दूरी आपने दिखाया है, दोनों का रेशियो निकाल करके लिख दिया जाता है। अब इस स्केल को देखिए, इसमें ऊपर में लिख दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप और नीचे में लिख दिया गया है 0.5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। मतलब ये हुआ कि मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर किसी चीज़ का डिस्टेंस है तो वो ग्राउंड पे होगा 0.5 किलोमीटर, मतलब 500 मीटर। अब स्केल के दो टाइप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप या लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप उसे कहते हैं कि जैसे कि बड़ा कंटिनेंट दिखाना हो या कोई कंट्री, चाहे जैसे कि भारत हो गया तो इतना बड़ा है, तो उसे एक छोटे से पेपर पे जब दिखाया जाएगा तो उसमें छोटा स्केल यूज किया जाएगा, यानी कि स्मॉल स्केल। मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैप पे कोई डिस्टेंस दिखा दिया जाएगा 1 सेंटीमीटर का होगा, तो रियल धरती पे जो उसका डिस्टेंस होगा बहुत बड़ा होगा, जैसे कि 100 किलोमीटर होगा। लेकिन एक लार्ज स्केल मैप होता है, जैसे कि कोई गांव या शहर को दिखाना हो, तो उसमें ये होता है कि जैसे कोई डिस्टेंस को दिखा दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो उसका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर में नहीं होगा, उसका डिस्टेंस जो होगा लगभग 100 मीटर में होगा, इस तरीके से। तो ये लार्ज स्केल मैप होता है। और एक स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि वो छोटा सा जगह को दिखाना होता है और एक छोटे से पेपर पे। लेकिन बड़ा स्मॉल स्केल मैप बड़ा जगह को छोटे पेपर पे दिखाना होता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन कम होता है। लार्ज स्केल मैप में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। अब आइए डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मैप्स आपने देखा होगा उसमें ऊपर के दाहिने साइड में या कहीं भी एक एरो की तरह दिया रहता है और उस पर एन लिख दिया रहता है, तो उसे नॉर्थ माना जाता है उस डायरेक्शन को। अब जैसे कि इस मैप को देखिए, इसमें ये एरो दिया गया है तो इसे नॉर्थ डायरेक्शन मान लिया जाएगा। वैसे जनरली जो ऊपर वाला भाग होता है मैप का उसे नॉर्थ ही माना जाता है। अब जब नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाता है तो और सभी डायरेक्शन पता करना बहुत आसान हो जाता है। 4 जो डायरेक्शंस होते हैं उसे कार्डिनियल पॉइंट्स भी कहते हैं, जिसे आप कार्डिनियल डायरेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। इसके अलावा भी 4 डायरेक्शन लिए जाते हैं। अब जैसे कि नॉर्थ और साउथ को मान लिया जाता है सेंटर की तरह से, और नॉर्थ से ईस्ट की तरह जो है, जैसे कि ये देखिए, इसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। अब ये साउथ से ईस्ट की तरफ जो है इसे साउथ ईस्ट कहा जाता है। उसी तरीके से साउथ से वेस्ट की तरह है बीच में, तो उसे साउथ वेस्ट कहा जाता है। फिर इधर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है तो नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। तो ये सब जो है ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गए, और कार्डिनियल डायरेक्शन 4 होते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट होता है। डायरेक्शन को पता करने के लिए कंपास का यूज होता है। ये छोटा सा जो ये दिख रहा है यही कंपास है, इसे आप घुमा सकते हैं और ये खुद ब खुद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आकर रुक जाता है। ठीक है, ऐसे आप कंपास को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। तो आइए अब सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई स्कूल है, और उसको उसी तरीके से मैप में ड्रॉ किया जाए तो ड्रॉ करने के लिए आसानी नहीं होगा, इसलिए उसका सिंबल का यूज किया जाता है। उसके बाद डिफरेंट तरह के कलर्स के यूज होते हैं, लेटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, पिक्चर्स का भी और लाइंस का भी यूज होता है, जिससे कि सिंबॉलिक दिया जाता है और सिंबल से मैप्स को ड्रॉ करना इजी हो जाता है। अगर सिंबल्स आप समझ भी रहे हैं तो आसानी से मैप को समझ भी सकते हैं। लेकिन जिसको मन करेगा जैसा सिंबल दे देगा, तो इससे होगा ये कि इसका सिंबल वो नहीं समझेगा, उसका वो नहीं समझेगा। इसी को दूर करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों ने एक साथ बैठा और राय विचार के बाद एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया कि ये सिंबल्स जो होंगे वो खास इसी तरीके से यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो उसे कन्वेंशनल सिंबल्स कहा गया। जैसे कि ये सब हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कन्वेंशनल सिंबल्स आर दोज सिंबल्स ऑन विच देर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज। ठीक है, अब इसे देखिए, जैसे कि ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, जैसे रेलवे लाइन है, तो पूरी दुनिया में इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
इसमें एक वर्ड है ब्रॉड गेज। ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, तो जैसे जो पटरी होता है रेलवे का, जो चौड़ा होता है, जो आमतौर पे जो पटरी मिलती है वो ब्रॉड गेज है। ठीक है, एक आता है मीटर गेज, जिसका डिस्टेंस लगभग 1 मीटर के होता है। इस तरह का पटरी का यूज पहाड़ी इलाके में किया जाता है, तो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर रेलवे स्टेशन को देखिए, ये रेड तरह कर करके और RS लिख दिया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेटल रोड को कहा जाता है कि जैसे कि जो ढलुआ रोड है, चाहे वो पिच बनाया हुआ रोड है, उसे मेटल रोड कहा जाता है। और अनमेटल रोड जिस पे मिट्टी चढ़ा दिया गया या वो ईंट बिछा दिया गया, उसे अनमेटल रोड कहते हैं। तो अनमेटल रोड को इस तरीके से ड्रॉ के दिखाया जाता है सिंबल, और मेटल रोड को ऐसे दिखाया जाता है। इंटरनेशनल बाउंड्री को, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान दुनिया का बाउंड्री हो गया, उसे ऐसे दिखाया जाता है। और स्टेट के बाउंड्रीज को ऐसे दिखाया जाता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट के ऐसे। इसी तरीके से ये सब भी दिखाए जाते हैं। आप कब्र का देख सकते हैं, इस तरीके का डायरेक्शन है, ट्रीज का ऐसे है, ग्रास का ऐसे है। जनरली जो है ब्लू कलर का यूज किया जाता है वाटर को दिखाने के लिए। जैसे कि ओशियन है तो उसे ब्लू कलर से दिखाया जाएगा, माउंटेन है तो उसे ब्राउन कलर से दिखाया जाएगा, उसके बाद येलो कलर से प्लेट्यू को दिखाया जाएगा, एंड ग्रीन कलर से प्लेन्स को। देखिए ये प्लेट्यू, प्लेन्स एंड माउंटेन्स का जो वर्ड आ रहा है, इसे हम लोग अगले चैप्टर या उससे बाद के चैप्टर में समझेंगे डिटेल में। ये एक मैप दिया हुआ है, इसे अगर आप ऊपर कन्वेंशनल सिंबल्स को समझ गए होंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कहाँ है, कहाँ मेटल रोड है, कहाँ अनमेटल रोड है, कहाँ पुलिस स्टेशन है, कहाँ रेलवे स्टेशन है, कहाँ मीटर गेज है, कहाँ ब्रॉड गेज का रेलवे है, रिवर कहाँ है, टेम्पल कहाँ है, ये सब आप समझ सकते हैं। और इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस मैप से रिलेटेड, आप उसका आंसर कोशिश करें कि बनाएं, फायदा जनक होगा। मैप के अलावा भी फ्लैट सरफेस पे दो चीज और होता है, जैसे कि स्केच एंड प्लान। स्केच वो होता है जो कि ड्राइंग ही होता है, ये भी मैप की तरह, लेकिन इसमें स्केल नहीं होता है। मैप में हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू स्केल, और स्केल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें दिखाया जा रहा था कि मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो 500 किलोमीटर रियल धरती पे होगा। तो इसके जरिए से आप मैप के जरिए से आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी दो जगह का डिस्टेंस, लेकिन स्केच जो होता है वो स्केल पे नहीं होता है। इसमें सिर्फ ऐसे ड्राइंग कर दिया जाता है, जैसे कि आप किसी के घर जाना चाहते हैं और वो बता रहा है कि इस तरफ चले आना है, उसके बाद दाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना है, और आप एक पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से दाएं मुड़ना है, वहाँ से बाएं मुड़ना है, तो उसी को स्केच कहा जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये स्केच किसी ने बनाया है। और आप स्केच को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ मैप ड्रॉइंग इज ड्रोन विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच मैप। अब आइए प्लान के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए प्लान है, उसे कहते हैं कि जैसे कि कोई छोटा सा जगह है, जैसे कि मान लीजिए फरीदाबाद है ये, ठीक है, इसी में को देखिए, इसमें फरीदाबाद को दिखाया गया है, तो उसे जो है सिर्फ उतना ही छोटा से दूर को बड़ा सा दिखाया जाएगा लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे मतलब कि मान लीजिए कोई 1 सेंटीमीटर मैप पे होगा तो लगभग 10 मीटर धरती पे होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। मैप में आप चाहिएगा कि किसी घर का कितना बाई कितना रूम है, एक रूम तो नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन ये वो प्लान है, प्लान में आप पता कर सकते हैं। ये भी मैप का ही रूप है, छोटा सा, लेकिन इसे प्लान कहा जाता है, स्पेशल नाम। तो इसे आप आसानी से एक रूम का भी साइज पता, मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटे से एरिया को बड़े स्केल पे दिखाना ही प्लान कहलाता है। ठीक है, तो प्लान इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान में भी स्केल का यूज होता है, मतलब प्लान में भी आप चाहें कि किसी डिस्टेंस को पता करना है तो उसमें आसानी से पता कर सकते हैं। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप? तो लिख दीजिएगा डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल होगा कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 कार्डिनियल डायरेक्शंस? तो कार्डिनियल डायरेक्शंस मैंने बताए हैं कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप? तो स्केल का जो डिफिनेशन है उसी को लिख दीजिएगा कि इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस शोन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। चौथा क्वेश्चन है, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन आवर ग्लोब? तो आप इसका आंसर मैंने बताया ही था, तो मैप्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, मैप्स को कैरी करना आसान है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान है, और मैप्स पे हम एक जगह के दूसरे जगह के डिस्टेंस को आसानी से पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान? तो मैप का डिफिनेशन लिख दीजिएगा कि अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द अर्थ। फिर प्लान का डिफिनेशन लिख दीजिएगा कि अ प्लान इज़ अ ड्राइंग
ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। फिर लिख दीजिएगा कि अ मैप कैन शो या रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया और अ लार्ज एरिया। प्लान में ऐसे लिख दीजिएगा कि अ प्लान इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया स्पेसिफिकली। मैप में आप और लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट गिव डिटेल्स ऑफ अ रूम साइज, बट अ प्लान प्लान में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है और मैप में थोड़ा कम इंफॉर्मेशन मिलता है। ये सब डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा लार्ज स्केल मैप, मतलब लार्ज स्केल मैप में छोटे से एरिया को दिखाना रहता है तो वो ज़्यादा डिटेल में दिखाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू सिम्बॉल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। तो देखिए सिम्बॉल्स जो है वो आसान बना देते हैं मैप्स को समझने में और इसे ड्रॉ करने में भी आसान बना देते हैं। ये हमें इम्पोर्टेंट थिंग्स बता देते हैं, जैसे कि डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन बता देता है, डिस्टेंस बता देता है कि कितना दूरी है, कहाँ से कहाँ पहाड़ है, कहाँ माउंटेन है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो है सिम्बॉल्स के ज़रिए से हमें मिल जाते हैं मैप्स में, तो इसीलिए सिम्बॉल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हमें इस तरीके से मदद करते हैं रीडिंग में। अब आगे का क्वेश्चन है कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स आर। तो फॉरेस्ट को दिखा रहे हैं, स्पेसिफिक है कि सिर्फ फॉरेस्ट को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए इसे थीमेटिक मैप्स कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग, तो ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है अ कंपास इज यूज्ड, तो कंपास किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन को पता करने के लिए, तो हो जाएगा टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। उसके बाद कहता है कि अ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप, फॉर स्केल्स, फॉर सिम्बल्स। तो मैप के लिए स्केल ज़रूरी है क्योंकि मैप में स्केल होता ही है। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हो गया। मैंने जो ये मेरे द्वारा हाईलाइट पीडीएफ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।